सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह खाना इस चूल्हे के अंदर बनता है, वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, वो सारे जहाँ से अच्छा हमारा उदयपुर है, क्यों सबसे पूरे हिंदू वर्ल्ड के अंदर कहलाता है। आज इस चूल्हे से मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगा सारा, आपको कैंपिंग करके बताऊंगा। अब इस चूल्हे के अंदर सारा मेरे कैंपिंग का सामान है, देखो ये निकाला मैंने, ठीक है, ये कैंपिंग का सामान निकाल रहा हूँ, ये बोतल, ये मेरे तंदूरी चाय के आइटम, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी बाटी की जाली, ये मेरा स्टैंड, ये मेरा चाय का आइटम, और ये मेरे जग वग, ये सब आइटम इसमें से निकाल रहा हूँ, ये मेरे केक बनाने के आइटम, ये चाय छन्नी, ये इसी में से निकल रहा साहब, ये देखो आप इतने आइटम निकाल दिए मैंने, ये मेरे सब आगे स्टिक भी है ना इसके अंदर, स्टिक भी इसके अंदर, ये मेरे मेन चाबी हथियार, इसके बिगड़ तो मेरा कैंपिंग ही अधूरी है, चुपके रखे था पीछे बार, इसको जलाऊंगा इसके, ये देखो आप मैंने जाली रखी, ये स्टैंड रखा, अभी से मेरा पूरा चूल्हा तैयार, ठीक है, अब मैं इसे जला के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसे पतली पतली लकड़ी पहले जलाने के लिए रखनी है अपन को, ये मेरा कप रह गया था चाय का, ये पतली पतली लकड़ी रखनी है, ठीक है, ये आपने लकड़ी रखी, और अब ये चूल्हा चलना चालू हो जाएगा, ये एक बार चल चुका है, अब मैं एक बार रखूँगा आग ऊपर आ जाएगी, इसमें दाल ले दी, अभी आग लग गई है, अब धीरे धीरे आप लकड़ी रखते रहो, ये चूल्हा जल रहा है, ये देखो आप मैं अमेरिकन बूटे रखूँगा इसके अंदर, इसको आपको ये स्टैंड उतारना है, ठीक है, फिर ये चाबी है ऐसे पकड़ के, और तो आपको आसानी के साथ निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, यहीं आप लगा दो, अभी ये अमेरिकन बूटे रख रहा हूँ, ठीक है, आज हम कैंपिंग करने के लिए आए हैं, वो कैंपिंग वाले लोगों को बहुत फ़ोन आते थे मेरे पास जमाने भर के, तो आपके ये कैंपिंग के लिए कैसा चूल्हा कैसा है, तो कैंपिंग के लिए बहुत बेहतरीन चूल्हा है, ये देख लो आप, अब इसके ऊपर आपको ये अमेरिकन भुट्टा, ये आपके अमेरिकन भुट्टे हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको लगा देता हूँ, और बाटी की जाली की ज़रूरत होगी जब बाटी की जाली अपन कर ले लेंगे, या और इस चूल्हे के साथ कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आग जल रही है शानदार, अब मैं पोहे बना लेता हूँ, तो मुझे भूख लग रही है ना, मैंने खाया नहीं है पोहे, आ रहा हूँ पार्टी में जाके, ये खाकर के पत्ते हैं इसके अंदर, बहुत कोई भी खाना खाओ या खाना बनाओ वो स्वाद बनता है, और मैं आपको इससे चूल्हे बना के, ठीक है, मैं आपको चूल्हा बना के बताऊँगा, इस तरह से एक पत्ता आपको उल्टा रखना है और एक पत्ता सीधा रखना, और अवर नवर रखने है, देखो आप, ठीक है, अब इसको यूँ लेके और यूँ मोड़ोगे आपका दूल्हा बन जाएगा, ये डाला आपने और ये करा, ये पत्ते नरम नहीं है, ये आपका दूल्हा बन जाएगा, ये दूल्हा बन चुका आपका, इस तरह से दूल्हे बन जाते हैं। ये दूल्हा बन गया आपको, एक दूल्हा रेडी, अब मैं पोहे बना रहा हूँ, ये देखो आग लग रही है, शानदार आग लग रही है, और इसके नीचे अमेरिकन भुट्टे हो रहे, देखो आप हो गए होने आ गए, हाँ, ये अब मैं रख रहा हूँ, ये मैं इस तरह से कुछ भी नहीं करना है आपको, लकड़ी डालनी है तो ये तरीका है लकड़ी डालने का, आपको बस आपको लकड़ी डालनी है तो इस तरह से आप डालते हो, किसी सी लकड़ी डालो, इसी गोल लकड़ी आती है वो डालो, ये डालो, ये डालो, कुछ भी डालो, इस तरह से डालो आप, इस तरह लग रही है आग, लग रही है रख दो आप, बस ये आग लग रही है, देखो शानदार आ गई इसकी, ये देखो आप,
ये तेल डाल लो, पोहे बना रहे हैं। अब सबसे पहले पेट पूजा, फिर साकाम दूसरा पूजा, ये हमारा हो रहा है। अब तेल गर्म हो जाता है। पोहे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जीरा डालना है, ठीक है। ये रही थोड़ी धुल चुकी है, जैसे तैसे ही ये आपको थोड़ी सी आप हल्दी डाल दो, ठीक है। जैसे ये तड़का हो जाए आपको ये फटाफट आपको प्याज मिर्ची टमाटर सब डाल दो एक साथ। एक दिन में ऐसा ही होता है, ये देखो आप। और नीचे आपके देखो आप ये भुट्टे पक रहे हैं, शानदार। ये पोहे का सिस्टम हो गया। इसके साथ आप नमक, हमारे पिकनिक से आए, देखो ये पिकनिक बनाना है, ठेठ 25-30 किलोमीटर से आए ठेठ डबोक से, और हम भी यहाँ पे आए हैं। बहुत ये पानी है, अभी बरसात नहीं है उदयपुर में, इसलिए कम पानी चल रहा है, अभी बहुत तेज पानी चल रहा है। प्याज लकड़ी भुना, ठीक है, बाकी से लकड़ी और जोड़ दो, जितनी लकड़ी रखोगे उतनी आग तेज होगी। ये देखो आग तेज हो गई है। इसके नीचे अमेरिकन भुट्टे बप रहे हैं, इसके बाद और मैं बनाऊंगा। खड़ा खड़े हो जाएंगे फिर शक्कर लेकर, शक्कर शक्कर अमेरिकन भुट्टे को थोड़ा घुमाते रहो, आपको ये घुमाना जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे घुमाओगे आप वैसे वैसे बकते रहेंगे, ये घुमाना जरूरी है। ये भुट्टे हो रहे हैं, इधर दो भुट्टे पड़े हैं, इसको भी घुमाना जरूरी है आपको, ये और ये घुमाना जरूरी है। अब ये हमारे पोहे डल रहे हैं साहब, ये हमारा खाना तैयार हो गया। वो खतरनाक भूख लग रही है हमें, 3:30 3:30। ये फ्राई पैन है, ये पोहे का नहीं है, बट इसमें हमने काम में ले लिया है। शानदार पोहे बन चुके हैं हमारे, वो भी कैंपिंग के अंदर, जिसको भी कैंपिंग करनी है और वो आराम से कर सकता है। ये अमेरिकन भुट्टा निकला शानदार, इस तरह से बना है। अब इसके अंदर क्या है ये देखो, कितना बेहतरीन बना है। ये देखो, ये देखो भपे निकल रही है, ठीक है। ये जिसके अंदर एक सिस्टम है, थोड़ा गर्म है तो साफ कर लो कपड़े से, और कपड़ा से साफ करके आपको अब इसके अंदर शानदार आपके पोहे के अंदर लगेंगे। ये पोहे तैयार है। हमेशा क्या है, नमक कम डालो, और इसके बाद क्या ऊपर से डाल सकते हो, ज़्यादा नमक पड़ने से खाना ख़त्म हो जाएगा। देखो हल्का सा नमक डालो, ठीक है। शानदार, ये मैंने अभी आपके सामने दूना बनाया और दूने के अंदर खाना खा रहा हूँ। और ये देखो, लोग कहते थे चूल्हा कैंपिंग, अभी कैंपिंग करके आपको मेरी जीप के अंदर मैंने बता दिया, देखो आप। और ये पोहे खा रहा हूँ मैं, शानदार, इतने बेहतरीन पोहे बने, मज़ा आ गया आला। अभी ये मैं और ये इसके अंदर अमेरिकन भुट्टे दाने डालूंगा तो और मज़ा आएगा। ये देखो आप आराम से आप अमेरिकन भुट्टे इस पोहे के अंदर पहली बार डाले, मैंने आज तक डालते हुए देखे नहीं है, पर बहुत स्वाद लग रहा है, मज़ा आ गया आनंद।